आज मुख्यमंत्री की हालत है, इनका प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं लाडवा, मुख्यमंत्री कहते हैं करनाल, उनके करनाल का संगठन का अध्यक्ष कहता है कि नारायणगढ़ जाएंगे। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन जिस संगठन में हो, वो उधारे भी ले लेगा तो भी हरियाणा की जनता उसको दुआ। और मेरी कर्म भूमि है, कुल 7 चुनाव मैंने उचाणा में देखे हैं। 2009 में चौटाला साहब का देखा, 2011 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का उपचुनाव देखा, 14 में 2 खुद लड़े, 19 में 2 खुद लड़े, 24 में मेरी माता जी का देखा, और अब 8वां चुनाव है। तो कैसे छोड़ सकते कि दुष्यंत मैदान छोड़ेगा, दुष्यंत उचाणा छोड़ेगा, उनका गड़ा बिठाया नहीं बिठाया नहीं, और मैं तो वहीं खड़ा हूँ, जनता उनको उचाणा छोड़े। आज पार्टी की पीएससी की एडवाइजरी बोर्ड की बैठक थी और पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर क्या क्या फायदे प्रदेश की जनता से मुख्य तौर पर हम लेकर चलेंगे उस पर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, कईयों पर सब ने सर्वसम्मति से मोहर लगाई है। जैसे किसान के कर्ज माफी की बात, उसके अंदर कोऑपरेटिव तौर पर कैसे हम उसको माफ कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री उसके ऊपर, तो उसके लिए सुझाव आए हैं, हम चर्चा करेंगे। वैसे ही किसान की फसल खराब होने पर सभी ने सहमति दी कि जो 7,000 रुपया हमने गवर्नमेंट में रहते हुए 15,000 रुपया प्रति एक एकड़ तक ले जाने का काम किया, अब उसको 25,000 रुपया प्रति एकड़ पर पार्टी वादे के साथ जनता में उतरे कि किसी के भी क्रॉप लॉस होता है तो उस फसल खराबे का 25,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंदर किसान प्रीमियम की मार में फंसता रहता है, कई बार वो प्रीमियम देता है बैंक रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार प्रीमियम भरने के बाद कंपनी विड्रॉ कर जाती है, उसके लिए योजना बनाई जाए जननायक फसल सुरक्षा बीमा योजना, और उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान का प्रीमियम सरकार वहन करे और उसकी क्रॉप सिक्योरिटी उसको मिले। इसी तरह महिलाओं के लिए कई विषयों पर चर्चा हुई, कई विषयों पर सहमति बनी। जैसे हमने राशन डिपो के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसी प्रकार से महिलाओं के साथ साथ महिलाओं को कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे वीटा के बूथ हो, हरित स्टोर हो, जितने भी हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के विंग्स हैं उनके अंदर 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करी जाए, और साथ में एजुकेशन के अंदर टीचिंग जो सेक्टर है उसमें कैसे महिलाओं की प्रेजेंस बढ़े, उसके लिए सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में बातें करें। तो ऐसे कई बिंदु हैं, अभी तो मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ, आगे पार्टी का घोषणा पत्र भी आपके बीच में है। चुनाव सिर पर है, जेजेपी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? 17 जिलों के जिला अध्यक्षों, हल्का अध्यक्षों और उनके साथ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। पीएसी के अंदर वो 17 जिलों के नाम आज हमने एक एक कर शेयर कर दिए। अधिकांश जिले ऐसे हैं जिनके अंदर आजाद समाज पार्टी हमारे साथ सीट शेयरिंग में है, कल कौन सी सीट उनको देनी है उस पर उनसे भी विस्तार में चर्चा है, और विस्तार में चर्चा करके जहां हमारे कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं वो हम साथ के साथ घोषित करने का काम करेंगे जॉइंटली। बचे क्योंकि 5 जिले हमारे बचे हैं जिनके मुख्य साथियों से भी चर्चा होनी है, तो कल उसका भी समय रखा हुआ है। जैसे ही चर्चा हो जाती है 22 जिलों की एक लिस्ट दोनों पार्टियों की संयुक्त तौर पर हम रिलीज करने का कल शाम तक काम करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि जेजेपी के लगभग सभी विधायक पार्टी छोड़ गए हैं, जेजेपी अब खत्म हो गई है। आरोप क्या है, बीजेपी तो आज दिखती है किस हालात में है। बीजेपी 400 पार की बात करती थी, 250 पे आ गई, और 250 पे आने के बाद आज हमारे लोगों को उधार में लेके जा रही है। नहीं ले रही हो तो बता,
पिछले 2 दिनों में 6 लोग हमारे संगठन के उनने लिए हैं, जिनको आश्वस्त किया कि तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब तो बीजेपी अंदर से खोखली थी। और मुख्यमंत्री की हालत कैसी है? कटी पतंग की तरह है। तीज वाले दिन जब पतंग कट जाती है तो उसको ये नहीं पता वो कहाँ जाके गिरेगी। आज मुख्यमंत्री की हालत है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं लाडवा, मुख्यमंत्री कहते हैं करनाल, उनके करनाल का संगठन का अध्यक्ष कहता है कि नारायणगढ़ जाएंगे। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन जिस संगठन में हो, वो उधारे भी ले लेगा तो भी हरियाणा की जनता उसको जवाब दे। आप कब तक नॉमिनेशन करेंगे? 5 तारीख को नॉमिनेशन का टाइम तय हुआ है। 5 तारीख को पहले दिन उचाना विधानसभा का नॉमिनेशन। फिलहाल डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम उचाना से चुनाव लड़ेंगे या कि और सीट से? मैंने तो कभी दूसरी सीट का सोचा भी नहीं। और मेरी कर्म भूमि है, कुल 7 चुनाव मैंने उचाना में देखे हैं। 2009 में चौटाला साहब का देखा, 2011 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का उपचुनाव देखा, 14 में 2 खुद लड़े, 19 में 2 खुद लड़े, 24 में मेरी माता जी का देखा, और अब 8वां चुनाव है। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जो प्यार उचाणा ने दिए, मुझे नहीं लगता कि मैं वो एहसान फरामोश सोच का आदमी हूँ जो मैदान छोड़ के भाग। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि दुष्यंत जो मर्जी कर ले उसको हरा के भेजेंगे। चलो वीरेंद्र सिंह ये तो मान गया 4.5 साल बाद भी दुष्यंत मैदान नहीं छोड़ रहे। वो तो ये कहते थे बारी बारी कि दुष्यंत मैदान छोड़ेगा, दुष्यंत उचाणा छोड़ेगा। उनका गला बिठाया नहीं बिठाया मैंने, और मैं तो वहीं खड़ा हूँ, जनता उनको उचाणा छुड़वा दे। उचाणा को लेकर वैसे आपने एक नया नारा दिया, वो जीतेगा उचाणा तो जीतेगा हरियाणा ही। और बिल्कुल सही बात है, अगर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसके अंदर अहम योगदान उचाणा करेगा। बीजेपी का कहना है कि जेजेपी के साथ गठबंधन करके काफी नुकसान हुआ, जिसका रिजल्ट लोकसभा में मिल भी गया। और अब हालत ये है कि उनके तो संगठन के लोग टिकट मांगना छोड़ गए। खुद देखो, बराड़ा जी टिकट मांगा करते थे, छोड़ नहीं गए मैदान, इसने बबली ने ले गए। कैप्टन अभिमन्यु टिकट मांगा करते थे, रामकुमार गौतम ले गए। इनका संगठन मंत्री पिछली बार चुनाव लड़के हारा था, आज वहां जोगी राम ले गए। और तो और आशा खेदड़, सीमा गैबीपुर, सारी मैदान छोड़ गई तो अनूप ले जाना पड़ा। ये हालत तो थी कि जिनको हमने चुना था, जिसको हमने सम्मान देकर विधायक बनाया था, आज बीजेपी को वो भी उधारे लेने पड़ रहे। सर, देवेंद्र बबली पहले कांग्रेस की एक मीटिंग के अंदर दिखाई देते हैं और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनसे पूछो कि 2 दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हुआ।